हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ममिता और आज की मेरी डिनर डिश आप देख सकते हैं, रेडी कर लिया है मैंने। जो मैंने आज मैंने बनाई है वो है, ये है आपकी पनीर और आलू की सूखी सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्जी है ये प्योर भेज है, इसकी रेसिपी मैं आप भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोमिता। आप देख सकती हैं आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं किशमिश डाल दिया है, घी लिया है, वो है पनीर और आलू की सब्जी, सूखा सब्जियाँ मैं आज बनाऊँगी। आज मैं नहीं, माँ बना रही है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है। इसके साथ काजू, मस्टर्ड ऑयल मैं दे रही हूँ, मैं 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल दे दिया। तेल मेरा गर्म हो गया है, अब मैं एक एक करके पनीर को डाल रही हूँ। यहाँ पर पनीर को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हल्का सा मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ अच्छा लगता है खाने में। पनीर फ्राई हो गई है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी मैं पटाटो को फ्राई कर लेती हूँ। इसे भी हल्का सा भून लूँगी मैं। आलू को फ्राई हो गई है, इसे मैं निकाल लेती हूँ अभी कढ़ाई से। फ्राई पैन में ऑयल है, उसमें मैं अभी दे रही हूँ छोटी इलायची, दो छोटी इलायची दे दिया, दालचीनी और लौंग। ये पेस्ट मैंने बनाए हैं, इसमें है टमाटर, हरी मिर्च, अदरक। यहाँ पे है टमाटर, जिंजर और ग्रीन चिली, ये तीनों को मैंने पेस्ट करके ले लिया है। इसको मैं दे देती हूँ अभी यहाँ पर। अभी इसे अच्छी तरह मुझे भूनना, इस पेस्ट को अच्छी तरह भूनना पड़ेगा। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक, स्वाद अनुसार आप दे दीजिए नमक, कुछ स्पाइसेस नमक। उसके बाद मैं दे रही हूँ चीनी, फिर मैं दे रही हूँ हल्दी, भुना हुआ धनिया और जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा धनिया का पाउडर, और ये है रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। इससे सिर्फ मैं दे रही हूँ कलर के लिए। अच्छी तरह इसे मिला लेती हूँ। अभी मैं यहाँ पे दे रही हूँ 2 चम्मच दही, अच्छी तरह मिला लूंगी इसे। अच्छी तरह मिला लिया है, आप देख सकते हैं कि ऑयल और जो मसाला है वो सेपरेट हो गया, इसका मतलब कि अच्छी तरह ये भून गई है। अभी मैं जो मेरा पनीर और पटाटो है मैं उसे मिला देती हूँ यहाँ पर। अच्छी तरह मसालों के साथ मैं इसे मिला लूंगी। और अभी थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी। पानी मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरा कैमरे में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए कलर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट कलर आ रही है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे जब थोड़ा सा डिफरेंट कलर आपको दिखाई देगा। तो 10 मिनट के लिए ढक के रख लेती हूँ। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी ये जो पनीर आलू की सब्जी वो फाइनली रेडी हो गई है। पर फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैं कुछ कैमरा के कारण मेरा कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रही है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर आ गई है।
फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ, आप देख सकते हैं इतना ही सूखा रखूंगी मैं, और ज़्यादा ग्रेवी नहीं। और ऊपर से मैं अभी यहाँ पे दूंगी कसूरी मेथी, उसे आप हाँ कसूरी मेथी देने से इसका स्वाद और भी अच्छा आ जाएगी। फ्रेंड्स अभी मैं इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी पनीर और आलू काजू से मेरा जो सब्जी वो मैंने रेडी कर लिया। ऊपर से थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया है दही से। तो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और